आज हमारा थारू कल्याणकारी सभा विशेष कहीं बौद्धिक व्यक्तित्व जो उनका विचार वो राष्ट्र सेवा मन समर्पित कर्मचारी वर्ग हुकन का विचार छलफल सुझाव सलाह लेना हमार मूलभूत उद्देश्य हो। मई फैन से मंतव्य के कार्यक्रम होना जुआर चाहटू वर्षक अंतरक्रिया कार्यक्रम होना खुला बना देख लाग वो ये कार्यक्रम होना आगह बढ़ा देख लाग अपन विषय वस्तु सुझाव सलाह सहित अपन विचार धर देख लाग मान बहादुर चौधरी पन्ना जी हुकिन से अंतरक्रिया कार्यक्रम होना आगह बढ़ाए चाहटू एकदम संचालक जू कर्मचारी वो थारिना जाए अंतरक्रिया कार्यक्रम क्यास सभापति के आसन क्रम पल्लब ठाकुर के अध्यक्ष बिचुलाल चौधरी जी थारू कल्याणकारी सभा के केंद्रीय सदस्य एवं अनुशासन एवं अनुसंधान के संयोजक मानबहादुर चौधरी जी केन्द्रीय सदस्य कृष्ण चौधरी जीव लगाए बर जिला सेवक वहाँ थारू जाति प्रति अत्यंत सक्रिय रूप में आग बरपतना एक ऊर्जाशील व्यक्तित्व आदरणीय स्वास्थ्य अधिकृत नरनारायण चौधरी जीव पुस्तक इनसेक के प्रदेश संयोजक दिलबहादुर चौधरी जीव इनसेक के मानव अधिकार अधिकृत आसम प्रसाद देवन देवरा एवं साहित्यिक अभिनेता भाषा साहित्य के ऊर्जाशील व्यक्तित्व लगाए शाखा अधिकृत हमारा सुर्खेत के ठो व्यक्तित्व जागुराम चौधरी लगाय संपूर्ण यहाँ आए पुरखा बुद्धिजीवी समाजसेवी कर्मचारी वर्ग हुकन तरफ से जय गुरुवार। महिला प्रतिनिधि ने शायद एक को भी नहीं मिटा हमरा इस सुरक्षित मनोमय अपराधिक कार्यक्रम में थारू थारू के कार्यक्रम में घिनु तर महिला हम रही ना हमरा कहाँ में के न्यूज़ करते तो से नाचा गाए रैली में के हमरा महिला हम रही ना बनिया चलिया लगा कर ना ले गिली तर असीन असीन कार्यक्रम में हमरा आज अपराध है हमारे सुरक्षित वासी बुद्धिजीवी हुकरा हमारे सुरक्षित वासी जो कर्मचारी हुकरा बानी कम से कम अपन थारू कल्याणकारी के पत्ता है ये अर्थ का हो बोला से इमन का ये थारू कल्याणकारी है ना ना क्या रहा अवस्था लाग का मैया में ओ ना केर खाना आप अखी ये कर्मचारी और बुद्धिजीवी के भला कर रहे से कुछ ना कुछ थारू कल्याणकारी है ना दी कना आसने भला कर लग भीतर ये तो संस्कृत में संगे युगे कली युगे अंधारो में जाना जसरी बालक धरम पहले अंधेर कोठा में जाए जाए पहले लड़के जैसे डरे था बुधवार की कावा वो चीज सही चीज इस तर कम हुई ले से अथवा शिक्षा कमी हुई ले से वो मेरे के डरा है कि उसे बोलना हुई कौन आप ना पढ़ा लिखा बाहर वही काल का पहला शक्ति बातें वो नहीं डरा है वो कहते मतलब शिक्षा बहुत जरूरी है कि अब कोटा दे ले बाबा पांच से आठ दस वर्ष के अगर रिव्यू होके कोटा दे दिया जाए
बिहारों के अपना जब आदिवासी जनजाति यमे पे हमार चुप गए लोग आदिवासी जनजाति लिख दिले ना वो में ते निवार में कौन सा श्रेष्ठ अब वो इन्हें बढ़िया बढ़िया पढ़ा वो इन्हें निकालता है ना हमार तो बहुत कम वो करे कारण छुट्टे हमारी खारों के कोटे में वे कम परसेंट ना जैसे मधेसी कैश परसेंट ना वो इन्हें पढ़ लिखे हैं और हमारे जितना हमारे मधेसी में पढ़ते नहीं हम आदिवासी जनजाति वो करे मने हमार लोक सेवा आयोग है जितना हम कम होता है एक शायद बातचीत बेटी बा छुट्टे राख दे तो बढ़िया वही ना हो यहाँ मैं देख लू लगभग लगभग 10-12 वर्ष हो गए पटक पटक करके यहाँ आजकल बाबू के तो बाहर का भी सुन लू कैश का मास्टर में कैसे कला चौवन लोग पसंद हो सर तेरा सर का पहले एकदम नहीं रहे मैं 54 साल में आए उन्होंने भाषा सीख के कह के और पत्थर मने रह गए ना ये बात कह के रेडियो नेपाल से वार में खुला नहीं है कि नहीं बैठे लगे शायद एसओएस क्या चीज है लोक सेवा ये अपने घेरे जहाँ जहाँ जस्ते लोक सेवा अंचल कार्यालय जुड़ा रहे वहां पर नहीं ज्यादा पास है लेकिन सुर्खियों में तो हमारा खान भाई लोक सेवा ये अपने पढ़ भी नहीं करता पर ही कल से फिर लोक सेवक तैयार हो जागराम कहा गया वो कितना तैयारी करो वो कर कोर्स जागराम सर बता कितना ट्यूशन पढ़े पढ़ो कि नहीं पढ़ो कोचिंग ट्यूशन पढ़ो बिग्गी से सहयोग नहीं पढ़ो बस बिग्गी से सहयोग नहीं ये है घर ही बैठ के आओ जने मने बाहर बाहर से आके यहाँ 45 दिन 3 महीना पढ़ के कोर्स करके उन्हें निकलना हमें चाहिए तब यह बात है ना रामानंद प्रसाद सिंह के टाइगर लॉ ऑफ द टाइगर कह के भी बिने चीनी विदेश में अपना भी कर हमार कारण की गीदी का कम्बा है हमार हमने मेहनत करे नहीं थे ठीक है 60 वर्ष तक कहीं एकदम मेहनत करना चाहिए वो कर बात हो सब आराम में मने कहीं भोज कहीं ऐसे नहीं पढ़े सेठ थे उदाहरण लो मैं किसान कितना कह लूँ बीहे पची बीहे कर चुका दे रहा हूँ बीहे कह लूँ वो कर बन मास्टर कर तू फिर यहाँ एलएलबी कर लूँ अभी जा के मैं ये जहाँ छोड़ के फिर जा के रिटायर हो जाए सबको पर पीएचडी कर्म करना मैं आज के लिए वो कर बन आप पर मैं आप देना चाहिए वो एक तो अवस्था आर्थिक आर्थिक अवस्था जब से बल करने भी तब से हमार कौन हो जाए एक और लग जैसे बेरोजगारी कहीं ना बेरोजगारी बात जो सरकारी जागीरें कहीं ना बात कहीं ना वो कर नहीं हो आपन कौन हो उनसे करी ना तब पैसा दस्ते कह लेता वो यहाँ आगे चीज के छावा मास्टर कह लेते पटरिया वो बंगूर फार्म में लगा देते कहा दिन मैं 5000 मैं बंगूर के बच्चा पुगा दे तो कहाँ से कम मैं कहा मैं 1000 दे एक बंगूर के बच्चा 5000 में मिलता कितना हो चला जो पैसा वहां हमें विज्ञ बता करते वहां से सलाह लेके आओ जने फिर सीखी ना तो का कर की व्यवसाय के लिए एकदम मजबूत रहा कौनो पैसा के लिए मने नेरी ना ओकर बाजे के लिए थी ओकर बाद में छावा जब वो सेटिंग हो जाए तो ओकर कुछ नहीं पूरा सिस्टम अनुसार चलती रहे ओकरे मने हमें पैसा में फिर लागना जरूरी बा वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं अपना कार्य सर्वप्रथम एकरो इसका कहते इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना इन्फॉर्मेशन इज अ पावर सूचना से हम ज्ञान में वह सूचना से हमने प्लानिंग बनाए सकते योजना हमारे लिए न तो जैसे जनसंख्या हुई 10-10 वर्ष में वही में बात घर में बैठ के और 3 दिन में बैठ के कहा कह रहे थे आपन हम एक्चुअल देखे ली जनसंख्या कितना परंपरा कितना धर्म की एक्चुअल जनसंख्या बा ओकर बाद कौन कौन गांव में कितना कितना परंपरा एक तो आईटी में बहुत जरूरी बा है ये सब टेक्नोलॉजी अनुसार चले सीखे पाना जैसे लोक सेवा खुलत लगभग कौन मार्ग खुलत जैसे अब की खुलत बा सामाजिक विकास मंत्रालय में बहुत कोटा खुलत बा
अब अपने के पढ़ल बना ते दी में ते लोकल है 20 नंबर बड़ी बेले बाबू आओ जनरल से वहां से निकले से वही ये 5 नंबर है यहां 20 नंबर दे लेबा लोकल के रहे तो पढ़ले लिखले से यहां 20 नंबर पे ही आओ और सेकल हुई नहीं वो कर मारे मैं बिना मुराद रोज बात तो हमारे ये दे दे पढ़ल बता सब बहुत जोन पढ़ल बता ओकरे में तैयारी करी जो 31 साल से हर सफल संचालन हुई थी बात तुम्हारी हर कल्याणकारी के उचा गई कार्य और हुई थी बात तर यौन समग्र थारु जाति के मन जीतक लाग थारु कार्यकारिणी जिला कार्य समिति अलिकति आगत सक्रिय सुधार परम्परा दृष्टिमा कार्य कल से 31 से हाल समिति कार्य अवधि थारु समुदाय हमारा कार्य समिति के छवि अलिकति नई मजा प्रभाव पर कार्य समिति काम कर निशेकना अवस्था आगत हुई बात थारू कल्याणकारी सभा सुर्खेत के आयोजना में सुर्खेत स्थित थारू कर्मचारी वो थारू बुद्धिजीवी हुकर हन बोलाख जो आज कार्यक्रम कई गिल अंतरक्रिया कार्यक्रम कई गिल एमन सहभागी हुलक सबको जाना पहले धन्यवाद देह चाहतु जत्रा निमंत्रण कई गिल रह ओतरा तो आधा फेने आ दिल अब कार्य व्यस्तता रहल हुई आज पर्व शुरू हुई कारण हुई और कारण पे हुई सकी तो शुरू में कैसी लागल रहा महीना कल से ये कार्यक्रम शुरू कर रहा कि थारू कल्याणकारी सभा बुद्धि देव कसी का हमरा काम कर भी आगे कसी का बढ़ा जाए कह सोच के दिलक तो कैसे उतर आयल कल से फॉर्मेट बना देव तो फॉर्मेट भर देम ऐसे लागल रह तर पाछे पाछे जे हो बहुत बहुत ऊँचा प्रतिक्रिया आयल सुझाव आयल सलाह आयल अब दू जन दिन भर लिखल आ लिखल अनुसार हमरा सबको छान खन बैठक बैठ खन एक ठो घोषणा पत्र बनेबी वो घोषणा पत्र हमार लागी कमती में एक वर्ष अथवा एक पाछ कार्यकाल सम्म फिर हमार लागी एक ठो ड्यूटी हुई ड्यूटी मानखन ड्यूटी लेखन सुझाव सलाह न आत्मसात कह के थारू कल्याणकारी सभा है अगाड़ी ले जेना अगाड़ी बढ़ेना जमर को कर भी एक लागी प्रतिबद्धता जाहिर कर तू वो आज जो दिन भर यहाँ आख समय देख अपने महत्वपूर्ण समय यहाँ खर्च कर ओकर लागी सबको सहभागी होकर धन्यवाद आज के ये कार्यक्रम यही समाप्त करत हूँ धन्यवाद।